हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप एक से लेके 200 तक के संख्याओं का वर्ग कैसे निकाल सकते हैं। मेनली हमें एक से लेके 200 तक की संख्याओं का ही सवालों के अंदर वर्ग निकालना होता है। चलिए इसे सीख लेते हैं, लेकिन आपको पहले दो चीजें समझनी होगी। आपको पहले 1 से 20 तक के टेबल या पहाड़े और 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर आपको याद करने होंगे। अगर याद नहीं भी है तो भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर है याद तो अच्छी चीज है, आपके काम आएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। 34 का हमने वर्ग करना है। इसमें दो संख्याएं हैं, 3 और 4। देखिए, हम 3 का वर्ग करेंगे। 3 का वर्ग होगा 9। 9 को हम 9 नहीं लिखेंगे, 0 9 लिखेंगे। इसके बाद 4 का वर्ग होगा 16। देखिए, 16 यहां रखेंगे, इस तरह से रख देंगे। अब क्या करेंगे कि 3 चौके 12 और इसकी गुणा 2 2 में करेंगे। 12 दूनी 24, यह आ जाएगा 24। अब इस 24 को यहाँ पे रखेंगे। देखिए, हमने 24 को लास्ट की संख्या छोड़ के रखना है, 24 लिखना है, लेकिन लास्ट का अंक हमने छोड़ना है, उसके बाद ही लिखना है। चलिए अब इसे जोड़ते हैं। 6 5 और 1 सॉरी 4 और 1 5, 9 और 2 11, यह आ जाएगा 34 का वर्ग। इसी तरह से आप किसी भी 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग आसानी से कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हमने 40 का वर्ग करना है, तो पहले 4 का वर्ग लिखेंगे 16, अब 6 का वर्ग लिखेंगे 36, अब 4 6 24 और इसकी 2 से गुणा करेंगे। 24 दूनी 48, 48 यहां एक अंक पीछे छोड़ के लिखेंगे, 6 को हमने पीछे छोड़ दिया, उसके बाद हमने 48 को लिखा है। 6 8 और 3 11, हासिल 1 लग जाएगा। 4 और 6 10, और 1 हासिल जोड़ के हो जाएगा 11। अब फिर हासिल 1 लग जाएगा, 1 में 1 जोड़ के हो जाएगा 2। 2116 46 का वर्ग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। 67 का आप करके देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 78 का वर्ग हमने करना है। देखिए, 7 का वर्ग होगा 49 और 8 का वर्ग होगा 64। अब गुणा करेंगे, 7 7 8 56, और 2 से गुणा करेंगे इसकी, 56 दूनी 112। अब ये 3 अंकों की संख्या ही है, हमने लास्ट का अंक छोड़ के लिखना है। देखिए, 4 को छोड़ देंगे और 4 9 और 6, इसके नीचे 112 को लिखेंगे, 112। अब जोड़ देंगे इसे, 4 6 और 2 8 हो जाएगा, 9 और 1 10, हासिल 1 लग जाएगा, 4 और 1 5 और 1 6, 6084 78 का वर्ग हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी 2 अंकों की संख्या का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग आप इसी तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, हमारे पास 114 है, इसका वर्ग हमें निकालना है, तो हम इसे 2 संख्याओं में डिवाइड कर लेंगे, 11 एक और 4 एक तरफ, 11 एक तरफ और 4 एक तरफ, ये 2 संख्याएं हो गई, 11 और 4। 11 का वर्ग क्या होगा, 121। 4 का वर्ग होगा 16, इस तरीके से रख देंगे। अब दोनों की गुणा करेंगे, 11 चौके 44, अब 44 की 2 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 88। 88 को लिखेंगे एक अंक छोड़कर। अब जोड़ देंगे, 6 9 9 2 और 1, 12996 इसका वर्ग आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं करके, उससे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए, 156 का हमने वर्ग करना है। हम इसे 2 भागों में तोड़ लेंगे, 15 एक तरफ और 6 एक तरफ। 15 का वर्ग होता है 225, ठीक है, और 6 का वर्ग होता है 36। अब दोनों की आपस में गुणा करेंगे, 15 छिका 90, और 90 की 2 में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 180। अब 180 को लास्ट का एक अंक छोड़कर लिखेंगे, 180। अब इसे जोड़ लेंगे, 6 3 8 और 5 13, हासिल 1 लग जाएगा, 2 और 1 हासिल जोड़ के हो जाएगा 3, नीचे 1, ये हो जाएगा 4, 2 यहां आ जाएगा जो का, तो ये हो गया 24336। ये 156 का वर्ग है। इस तरीके से आप आसानी से 200 तक की संख्याओं का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हमने 196 का वर्ग करना है। हम इसे 2 भागों में तोड़ लेंगे,
19 और 6, 19 का वर्ग होता कितना होता है 361 और 6 का वर्ग होता है 36। अब 19 छिक है 114, 114 की गुणा करेंगे हम 2 में, ये हो जाएगा 228। 228 को लिखेंगे इस संख्या के नीचे लास्ट का अंक छोड़कर 228, अब इसे जोड़ देंगे 6 8 और 3 11, हासिल एक लग जाएगा, 2 और 1 3 और 1 हासिल जोड़ के हो जाएगा 4, 6 और 2 8 हो जाएगा, 3 यहाँ पे आएगा ज्यों का त्यों, आंसर हो जाएगा 38,416, 196 का वर्ग आ जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से किसी भी वर्ग को कर सकते हैं। अगर आपने 1 से लेकर 20 तक के वर्ग याद किए हुए हैं तो आपके लिए यह तरीका और भी आसान हो जाएगा।